देर रात चोरों ने किया घर पर हाथ साफ, नकदी सहित जेवरात भी ले उड़े। फरियादी को दिया जा रहा झूठा आश्वासन, नहीं हुई फरियादी की FIR दर्ज, हुए चोर CCTV में कैद। फरियादी को दिया जा रहा झूठा आश्वासन, नहीं हुई फरियादी की FIR दर्ज, चोर हुए CCTV में कैद। शुक्रवार रात कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पवन कॉलोनी में चोरों ने एक सूने घर में हाथ साफ कर दिया। फरियादी अमजद खान ने बताया कि मैं और मेरा परिवार शादी के सिलसिले में घर से बाहर गया था। घर के अंदर वाले कमरे में ताला लगा था। जब हम घर वापस आए तो ताला टूटा मिला, जिसमें अलमारी में नकदी सहित बिटिया की शादी के जेवर रखे हुए थे। इस संबंध में हमने रात में ही डायल 100 पर सूचना देकर बता दिया था। इसमें डायल 100 पुलिस कर्मियों के द्वारा मौके का मुआयना कर सुबह कोतवाली में आकर मामला दर्ज करने के लिए बोला गया। घर में चोरी के मामले की FIR दर्ज करवाने के लिए फरियादी अमजद खान लगातार कोतवाली के चक्कर काट रहे हैं, जबकि चोरों का चेहरा CCTV में कैद होने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई। फरियादी के द्वारा इस संबंध में कोतवाली में आवेदन दिया गया तो आवेदन की प्राप्ति देने से मना कर दिया गया। नाम है आपका? अमजद खान। कहाँ रहते हैं? मैं पवन कॉलोनी। क्या हुआ है सर? 24-23 तारीख को हमारी मौसी की जहाँ शादी थी पनवाड़ी हाट में, तो मैं वहाँ शादी में गया हुआ था, पैरानी पहनानी थी मेरे को। इसके बाद में मैं शाम को जहाँ से करीब 7 और 7:30 के बीच में गुना से निकला हूँ। ठीक, शादी अटेंड करी हमने 24 तारीख की रात में। मैं जहाँ पे 3 बजे रात को आया हूँ सुबह, तो आके हमने अपना मेन गेट का ताला खोला। ताला मेन गेट का कम्प्लीट था, कोई दिक्कत नहीं थी। अंदर आए, अंदर वाले गेट का ही ताला टूटा हुआ मिला। गेट खुला हुआ मैंने, लाइट ओपन थी, लाइट जल रही थी पूरी। अंदर आके देखा तो ये अलमारी की कंडीशन है, ये देखो ये सामान पड़ा हुआ है। इसमें करीब करीब 1.60 के अंदर अंदर कैश था मेरा और मेरी मिसेज का, एक पैंडल, एक कान के टॉप्स, 5 जोड़ पायल और चूड़ी चांदी की, 6 चूड़ी। और हर साल दिवाली पे मैं लक्ष्मी जी का एक वो खरीदता था सिक्का चांदी का, तो कभी 20 ग्राम का खरीद लिया, कभी अच्छा व्यापार हुआ तो 50 ग्राम का खरीद लिया। ऐसा मतलब 20-25-50 ग्राम तक के मैं सिक्के खरीदता था, करीब 8-10 करीब वो सिक्के भी थे उसमें। तो इस संबंध में कोई शिकायत की आपने संबंधित थाने में? जी, रात को मैंने 100 नंबर डायल करा था, गाड़ी आई थी और उन्होंने मुआयना करा। मुआयना करने के बाद में उन्होंने मेरा नाम लिखा और यहाँ का एड्रेस लिखा और मुझे बोले कि आप सुबह जा कर ना कोतवाली में FIR करा 11 बजे। अभी मैं वहीं जाने के को था।